दोस्तों, आज हम बात करेंगे बवासीर, फिशर और फिस्चुला के बारे में। मैं हूं डॉक्टर विक्रम यादव, डायरेक्टर आरवी हेल्थ केयर गुड़गांव। दोस्तों, ये सब बवासीर, फिशर, पाइल्स, भगंदर, ये सब बीमारियां एक नहीं होती। इनके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी अलग अलग होते हैं, इनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। मोस्टली इन बीमारियों में लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आता है, पेन होता है, ईचिंग होती है। इनको डायग्नोज करने के लिए सिंपल सर्जिकल स्पेशलिस्ट से एग्जामिन करके ही इन बीमारियों का पता चल जाता है। कोई एडवांस सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह की ज़रूरत मोस्टली केसेस में नहीं पड़ती। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? ये बीमारियां जो हैं, ये मोस्टली रेक्टम में या लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग से प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको लैट्रिन में ब्लड आता है तो आप मान के चलिए कि ये तीनों बीमारियां या फिर वो कैंसर हो सकता है। सर्जिकल स्पेशलिस्ट से एग्जामिन करवा के आप पता कर सकते हैं कि ये कैंसर है या बवासीर, फिस्चुला या भगंदर है। क्या है इसका इलाज का सबसे आसान तरीका? आज के समय में ये सारी सर्जरी का इलाज लेज़र विधि द्वारा, बहुत ही जल्दी रिकवरी लेज़र से इसका इलाज के बाद हो जाती है। ये डे केयर प्रोसीजर है। मॉर्निंग में पेशेंट को बुलाते हैं, लेज़र द्वारा सर्जरी करते हैं, कोई चीरफाड़ नहीं होती और शाम को पेशेंट अपने घर जा सकता है और नेक्स्ट डे अपने काम पे भी जा सकता है। यही खूबी है लेज़र द्वारा बवासीर के इलाज की।